डायमीटर। अब देखो डायमीटर सर्कल का डायमीटर, किसी भी कर्व के डायमीटर की एक्चुअली डेफिनेशन पता ये नहीं होती। सर्कल में तो बहुत ज्यादा सिमेट्री है इसलिए हमें पता नहीं लगता है, अदरवाइज डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है पता है? लिखो, इट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पैरेलल कॉर्ड। सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑन द सर्कल, वो डायमीटर, वो डेफिनेशन सर्कल के लिए, अदरवाइज हर कर्व के लिए नहीं, हर कर्व के लिए ये वाली डेफिनेशन है। इट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। देखो आप सर्कल के लिए समझते हैं, जल्दी से यहां तक लिख लो। लिख लिया सबने? इट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। सिस्टम मतलब बस फैमिली, सिस्टम मतलब यहाँ पे फैमिली, और फैमिली का मतलब हमारी टिपिकल फैमिली नहीं, फैमिली का मतलब जस्ट कलेक्शन, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। अच्छा सर्कल के लिए देखो ये डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अगर इन सब पैरेलल कॉर्ड्स का देखना, अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगा तो तुम सब एग्री करो डायमीटर ही तो आता है, कम ऑन। Yes, sir. सर्कल में उसके एक्चुअल एक्स्ट्रा डेफिनेशन है कि डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर और ये सब, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बट क्या सबको फील आ रहा है कि इन सब पैरेलल कॉर्ड्स के इन मिड पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है वही डायमीटर है? देखो यस सर, यस। तो पैराबोला में हम उस तरीके से निकालेंगे कि पैराबोला में सर्कल की तरह सेंटर की ज्योमेट्री नहीं होगी, बट ये बिल्कुल होगा कि कॉर्ड्स बनाएंगे उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं हम, कम ऑन, डायमीटर। तो देखो पैराबोला के लिए ये रहे पैराबोला, इसके लिए कॉर्ड्स बनाते हैं जिसका स्लोप कितना है एवरीवन, एम। हाँ ये रहे कॉर्ड्स, इन सब कॉर्ड्स का स्लोप एम है। इन सब के मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे थोड़ी फील आ रही है, ये मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये लाइन ऐसे कुछ बनेगी, कम ऑन, रफली शेप दिख रहा है ऐसा? यस सर। एक्चुअल लाइन की इक्वेशन तो मैं लोकस से भी निकाल लूंगा, करेक्ट? यस सर। ये डायमीटर होगा, तो अब पहले मेरे को डिराइव करने दो फिर कॉपी करना। सो कैसे डिराइव करेंगे, ये कॉर्ड्स है इनके मिड पॉइंट के लोकस को क्या ले लूंगा, एच कॉमा के, एवरीवन। यस सर। अब मेरे पास गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, बस स्लोप एम है, तो मतलब मुझे किसी तरीके से ए बी की इक्वेशन निकालनी है किसके टर्म्स में, एच। वेरी गुड, तन्मय, एच और के टर्म्स में, वहां से स्लोप को किसके इक्वेट कर दूंगा एवरीवन, एम, एम के। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, कॉर्ड ए बी जिसका मिड पॉइंट पता है, चिल्ला के बोलो जल्दी से, बोलो नालायको यार, t equal to equal to s1, हाँ है ना? Yes sir, yes sir. With respect to y square equals to 4x, yes sir. तो क्या हो जाएगा, y into y1 is equals to 2a into x plus h, तो y is equals to 2ax 2a by k into x plus 2ah by k, तो यहाँ से मुझे slope कितना दिख गया है, come on, ये दिख गया? Yes, yes 2a by k. तो given m is equals to 2a by k. So therefore k is equals to 2a by m. Yes, locus आ गया, a पता है, m पता है, agree करो? Yes, yes sir. So yes, yes it is the required locus. और locus क्या आई है, एक line आई है, कैसी line आई है? Come on. Y equal to constant line आई है, देखो जल्दी। हाँ sir. Yes sir. मतलब this is the diameter की equation जिसका slope क्या है, m है. Y equal to 2a by m. ज़्यादा important नहीं है, बस बता दिया. इसलिए मैंने लाइन देखो ज्योमेट्रिकली भी दिखाई थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, कम ऑन, यस सर। डायमीटर कौन होता है, वाई इक्वल टू 2 ए बाय, कॉपी करो, जैसे सर्कल के लिए सेंटर से पास करता है, पैराबोला के लिए किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। Thank you.
Done, everyone? Yes, sir. So diameter के बारे में एक दो पॉइंट लिख लो जल्दी से. Can I turn the page, everyone? Yes, sir. डायमीटर ये एक्चुअली एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक की तरह करा दिया, अदरवाइज सिलेबस में है नहीं, बट ठीक है मैं कर लिया. पॉइंट्स से नोट, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? डायमीटर ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन पैरेलल टू, बोलिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला. फॉर जनरल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, डायमीटर इज y इक्वल टू 2a बाय m, वेयर m कौन है वो क्लियरली लिख लो. m इज द स्लोप्स ऑफ द कॉर्ड्स इट बाइसेक्ट्स, करेक्ट एवरीवन? ऐसा लिख सकता हूं ना? यस सर. इट बाइसेक्ट्स. थर्ड, एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर means the point of intersection with the parabola. Nikal ke batao kitna hai? Y equal to 2a by m ko solve karo. Y square equals to 4x ke saath aur batao kitna aata hai? Ye wala point bol raha hu main. A by m square. I hope सबका आ गया ये वाला point. Yes, अगर y coordinate 2a by m है तो actually a by m square ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं थी actually, तुम्हें याद है इसे ना? Yes sir. अरे tangent का point of contact होता है, याद करो. Yes sir. Okay, तो मतलब tangent अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो वो slope m का यही होता है ना? Come on. Yes sir. Slope m तो slope of the chords भी है, come on. Yes sir. तो मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट अगर ये लिखूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज पैरेलल टू द स्लोप इज पैरेलल टू द कॉर्ड्स एट बाइसेक्ट्स, बताओ सही है? यस सर. अब जैसे ये बहुत ही माइन्यूट में चला गया मैं, तो मैं मेन सिलेबस में वैसे ही टॉपिक नहीं है तो भी मैं इतना डेप्थ में चला गया, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं. Yes, कोई डाउट है तो लेट मी नो. नो डाउट? नो सर. वेट सर, एक मिनट, पहले का पेज दिखाना प्लीज. हो गया तो लंडन. तो मेरी आवाज थोड़ी चेंज हुई, ये मैंने ईयरफोन लगाया. हाँ सर, आपका आवाज ठीक हो गया थोड़ा. बेटर है अभी? नहीं सर. क्या बेटर है या पुराना बेटर था? मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आज के लेक्चर सर, पर हमको आपका वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है सर. आप थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करो. मैंने दूसरे बैच में भी लगा के देखा बच्चों, दूसरे बैच वाले को तो क्लियर था, तुम्हें भी क्लियर आनी चाहिए. आ रही है ना एवरीवन? हाँ सर, अभी आ रही है सर, थोड़ा आवाज लो है.
चलो अभी ट्राई करो ये क्वेश्चन। यस सबने कर लिया होगा आई होप एवरीवन डन ना। हाँ भाई कर लिया। यस सर। डायमीटर होता है वाई इक्वल टू ए बाय एम। यहाँ पे टू ए क्या है 25/7 था आधा। यस सर। और एम कितना है 4। बस ये हो गया ठीक है। यस यस सर। ज्यादा कुछ यस सर। एक छोटा टॉपिक और फिर लास्ट में बस प्रॉपर्टीज करनी, थोड़े रिजल्ट वापस डिराइव वापस देखने हैं, कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे। एक लास्ट टॉपिक लिखो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल सब लिखना बंद करिए मेरे साथ स्क्रीन पर देखो। एक टेंजेंट बनाई है मैंने बच्चों और एक नॉर्मल बनाई है। लेट्स से टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट पी से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पॉइंट पी। लेट्स से टेंजेंट में पी मत यहाँ लिखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पी से ठीक है। इसने इंटरसेक्ट किया लेट्स से नॉर्मल ने यहाँ पे एन से। आई होप समझ गए यहाँ तक। वर्टेक्स तुम्हारा ए है और यहाँ से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो दैट इज लेट्स से एफ। यहाँ तक कोई इश्यू? नो सर। सब टेंजेंट ये वर्ड डिफाइन करते हैं। अभी डिफाइन किया, डिफाइन मतलब आई होप समझते हो कि यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। तो सब टेंजेंट इज द टी एफ पाथ। सो हाउ विल यू डिफाइन सब टेंजेंट फॉर एनी कर्व इज टेंजेंट ने जहाँ पे एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया उसकी डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब काइंड ऑफ लाइक तुमने फिजिक्स में पढ़ सुना होगा प्रोजेक्शन। सुना है प्रोजेक्शन? यस सर। प्रोजेक्टाइल एक लाइन होती है, ये ऐसे कोई वेक्टर होता है जैसे भी पढ़ते हो तुम पता नहीं। इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे कैसे करते हो? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये वाला पार्ट प्रोजेक्शन होता है। आए ना? यस सर। रेंज। तो अगर इस लाइन को मैं फुल्ली एक्सटेंड कर दूँ तो अब इतने पार्ट का प्रोजेक्शन कैसे होगा? तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन और इससे फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा। एग्री करो? यस सर। तो कैन आई से टेंजेंट जो तुम्हारी ब्लू लाइन है ये वाली टेंजेंट है देखो इसका प्रोजेक्शन एक्सिस पे कौन होगा? सीएफ होगा। कम ऑन। यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट या सब टेंजेंट इसी को बोल दो और इसकी लेंथ को सब टेंजेंट बोलते हैं। यहां तक कोई चीज डाउट? यस सर। सब टेंजेंट कौन है? प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑन व्हाट? ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस नहीं बोलोगे क्या बोलोगे? एक्सिस। एक्सिस। तो गेस करो सब नॉर्मल कौन होगा फिर? प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। प्रोजेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑन द एक्सिस। तो कौन सी लेंथ होगी?
बताओ एनएफ एनएफ एलएफ फाइव फॉर्मूला के लिए भी सेम है ओके सर यस हो गया यहाँ पर कितना यस सर यस सर आप देखते हैं सबको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ब्रेक करते हैं और फिर कुछ ऐसा लिखते हैं कि कहीं कुछ रिजल्ट तो नहीं है क्योंकि याद करो कि मतलब मैं ऐसा रिजल्ट लिखना चाहता हूँ जो हर पैराबोला के लिए ट्रू हो तो तुम सबको याद है हर पैराबोला के लिए लेंथ सेम होती है कोऑर्डिनेट वाली सेम नहीं होता याद है यस सर यस सर फोटो पर पर्पेंडिकुलर रिजल्ट तो जैसे लिखना मेरे साथ रिजल्ट लिखना बंद इसके कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 करेक्ट यस सर तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई कितनी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर तो मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चाहता हूँ जिसके लिए मैं वाई को कितना पुट कर दूंगा बच्चों जीरो यस सर यस सर तो एक्स कितना आ गया माइनस 80 मतलब इसके कोऑर्डिनेट माइनस 80 स्क्वायर कॉमा जीरो है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0.0 है एक्स के कोऑर्डिनेट 0.0 करेक्ट Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मुझे एक रिजल्ट दिख गया तमाम क्या वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ सब टेंजेंट तमाम यस सर यस सर यस सर वर्टेक्स बाईसेक्ट सब टेंजेंट बोल सकता हूँ ना इसे यस सर व्हाट डू यू थिंक क्या ये इसी पैराबोला के लिए होगी सबके लिए होगी व्हाट डू यू थिंक ट्रू फॉर ऑल पैराबोला ट्रू फॉर ऑल तो हर पैराबोला के लिए वर्टेक्स मिड पॉइंट होगा या वर्टेक्स बाईसेक्ट करेगा सब टेंजेंट यहां तक क्लियर यस सर नॉर्मल की इक्वेशन क्या निकालना चाहता हूँ कौन सा पॉइंट समान एंड के लिए वापस वाई को जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो गया टी टी कैंसिल करूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0 किसने कुछ ऑब्जर्व किया देखो ए ऐड 2a ऐड हो गया हां मुझे तो दिख रहा है समान तुम्हें भी दिखा बच्चे देव इसकी लेंथ 2a है समान यस सर Length of subnormal is NF is equal to 2a, na? Yes, sir. Yes, sir. 2a to kuch hota hai. Come on, length of subnormal is hamesha half the length of... Half of length of... That is written. Ye parabola ke liye hoga, obviously, but har parabola ke liye hoga. Correct, yahan tak? Yes, sir. Yes, sir. Ab ye sab yaar, jo main topic padha raha hu, ye main ke questions mein itna nahi aata, obviously. Ye thoda advanced ke questions mein aa sakta. Samajh gaya na, itna? Yes, yes, sir. Yes, sir. क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो देखो एन टी की लेंथ देखना एन टी दैट इज सब टेंजेंट से सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 280 स्क्वायर हो यस सर ये a प्लस 80 स्क्वायर क्या होता फोकल डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस क्या बोलते थे उसको फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी कम ऑन यस सर कॉपी कर लो कितने अच्छे तरह हमने सिस्टमेटिक भी पढ़ लिया है कम ऑन कॉपी कर लो सर बच्चे सर आपने फंक्शंस का फोल्डर आपके यूट्यूब से हाइड कर दिया है हाइड कर दिया मतलब क्या मतलब सर वो फोल्डर दिख रहा नहीं आपके फंक्शंस के यूट्यूब का मैंने अनलिस्टेड कराया हाँ अनलिस्टेड कराया मतलब क्या है वो नहीं दिख रहा है क्यों हाँ सर नहीं दिख
दिख रहा नहीं है वो, वॉइस से वही देख सकता है, ऐसा कुछ हो गया होगा। तुम्हें चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना ताकि वो क्या ठीक है सर। थैंक यू सर। कोई भी बैठ के बच्चे देख रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है ओके सर। थैंक यू सर। फंक्शन आपको लिमिट फंक्शन तो हो चुका है, लिमिट तुम्हारा तो लिमिट हो गया ना? यस सर। फंक्शन स्टार्ट किया कॉम्पोजिट फंक्शन स्टार्ट नहीं किया सर, वो एनजीएम सर और पढ़ा रहे हैं। फंक्शन अच्छा हुआ। क्या बोल रहा है बच्चे, आगे बढ़ूं मैं? सर एक मिनट। No, I'm out. Done, sir. So no wait, sir. No, 10 seconds more. Done, sir. Go doubt as well? No, sir. No, no sir. मैं वो दिख रहा है क्वेश्चन करो। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ भाई आपका तो हो जाना चाहिए था यार, ये तो रिजल्ट वाला क्वेश्चन है। यस नो?
यस सर यस सर क्या बोल रहा है देखो डायग्राम हम क्या स्टैंडर्ड का ही बनाते हैं ना मम्मी साहब एवरीवन यस सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद द एक्सिस यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द दिस इज 3.7 और वो फोकल डिस्टेंस पूछ रहा है अभी मैंने बताया था कुछ याद है सबको यस सर ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ द AT प्लस AT स्क्वायर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है एवरीवन ऐसा कोई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कर लेना रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन कैन आई मूव ऑन एवरीवन डन यस सर यस सर हाईलाइट हाईलाइट समझते हो ना हाईलाइट हाईलाइट मतलब क्या हो गया एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज का भी रिवीजन सारी स्टार चीजों का रिवीजन इंपॉर्टेंट हाँ तो यस इससे अपन पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करते हैं रेडी यस सर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्या लिखना है जो तुम्हें लिखना है वो खुद लिखोगे अंडरस्टूड स्टेटमेंट क्या लिखना वो तुम्हारी इच्छा है तो पैराबोला के रिजल्ट टेस्टेड पैराबोला और वो सब तो ठीक है वो रिजल्ट रिजल्ट नहीं है कॉर्ड के रिजल्ट सबसे पहले आते हैं याद करो याद आया कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला तो कॉर्ड की इक्वेशन पता होनी चाहिए बट वो रिजल्ट नहीं होता इक्वेशन है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ मैं तो रिजल्ट टाइप का लिखाऊंगा तो अगर फोकल कॉर्ड है तो आपको सबको याद होगा T1 T2 कितना होता है माइनस वन अगर वो कोई पास कर रहा है 3.0 से तो T1 T2 कितना होता है माइनस सी बाय अगर कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे तो इसका स्लोप होता है 2/T याद करो यस सर 2/T अगर इसका स्लोप 2/T2 है ये पॉइंट क्यू है और अगर 90 डिग्री है तो T1 T2 इज -4 यस याद आ गया एवरीवन यस सर और फिर कॉस के बाद सेमी लैटिस रेक्टम याद करो क्या प्रॉपर्टी थी एवरीवन हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड द फोकल कॉर्ड CS ये फोकल डिस्टेंस याद रहने की है A + AT स्क्वायर ओके एवरीवन यस सर और टेंजेंट से पहले कोई और काम की प्रॉपर्टी कराएंगे मैंने वो मुझे याद कराओ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के दो फॉर्मूलाज वो इंपॉर्टेंट होते हैं एक होता है a into b + 1/2 एक होता है 4a cos² थीटा कौन होता है पता होना चाहिए तुम्हें ना एक्सिस के साथ एंगल याद आया और क्या रिजल्ट होते हैं फोकल कॉर्ड के डायरेक्ट्रिक्स से वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होता है करेक्ट अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं डायरेक्ट्रिक्स और वो भी कितने एंगल पे 90 डिग्री पे याद आया यस सर उसको रिवर्स ऐसे इमेजिन कर सकते हो डायरेक्ट्रिक्स के एक पॉइंट से अगर मैंने एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात करी तो वो फोकल कॉर्ड होती है याद आ गया अब नॉर्मल के कुछ रिजल्ट या टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के रिजल्ट आ गए थे वो तो रिजल्ट मतलब ठीक है वो तो फॉर्मूला बेस्ड ऑलमोस्ट
A T1 plus C2 याद आया? Yes sir. Then normal के results, point of intersection तो ठीक इतना important नहीं होता, but focal normal chord का result important होता है. I hope याद आया तुम्हें? Yes sir. ये T1 है, ये T2 है, तो T2 is minus two by T1. अब नई प्रॉपर्टीज या नए रिजल्ट, लेकिन इसके अलावा तो कोई और नहीं थे. देखो सर्कल ड्रॉन ऑन, फर्स्ट पार्ट, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल डिस्टेंस एंड डायमीटर सच एज टेंजेंट एट द वर्टेक्स. डायग्राम बना दो पहले तो. समझ गया सर डायग्राम? फोकल डिस्टेंस देखो ये रहा, उस पर डायमीटर बनाया तो सर्कल कहां पे टच कर रहा है? टेंजेंट से वर्टेक्स पे टच कर रहा है. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. एक लाइन को टच कर रहा है, कैसे पता करते हो? T equal to R से ना? Yes sir. तो इस पॉइंट को T लोगे, इसको A comma 0 लोगे, सर्कल की इक्वेशन लिखोगे और इसके लिए चेक कर लोगे कि वो y एक्सिस पर टच कर रहा है नहीं कर रहा है, आ जाएगा. बट अभी रिजल्ट की याद करना है. क्लियर एवरीवन? यस सर. तो गेस करो इसका बी पार्ट, अगर मैं पूरी फोकल कॉर्ड पे डायमीटर बना दूंगा तो वो किसको टच करेगा? गेस कर सकते हो? डायरेक्ट्रिक्स. अगर मैं पूरी फोकल का डंसर डायग्राम नहीं बन रहा मेरा, बट ठीक है. नेक्स्ट है सर्कल ड्रॉन ऑन दिस एज डायमीटर टचेस द डायरेक्टर. लिख लेना अपने वर्ड्स में. Yes, हो गया सबका? नेक्स्ट डायग्राम समझा सकता हूँ मैं? Yes, sir. Okay, क्या किया डायग्राम से थोड़ा सा अगर फील करिए तो पैराबोला पे तीन पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, एग्री करो? PQR, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था PQR, उन तीनों टेंजेंट्स ने ये तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, A1, B1, C1, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जो ट्राइंगल बन रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने के कारण भी एक और ट्राइंगल बनेगा, कम ऑन. देखो इन दोनों ट्राइंगल में रिजल्ट होता है ये. अब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछ लेते हैं. तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला एरिया होता है वो बड़ा होता है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पीओसी इज इक्वल टू डबल
the area of the triangle formed by a point of intersection. मतलब अगर इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है, तो ए वन इज ट्वाइस ए टू, ओके ना? Yes. हो गया क्या भाई, जल्दी करो। डन सर। तो वन मिनट। ओके, ऑब्वियसली मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, लंबा प्रूफ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट की तरह याद कर लो बाय जब कोई कहीं पूछ ले नथिंग। ऑल्सो सेंटर ऑफ दिस रेड शेडेड ट्रायंगल वो डायरेक्ट्रिक्स को लाइक करता है। Yes, everyone done? Done. So, next page karao, I hope ho gaya. The last is reflection property of the parabola. Reflection property of the parabola. इसमें तो तीन चार पॉइंट लिखाऊंगा, पहले डायग्राम बनाओ, हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ। ओके, जल्दी से बताना एक तो फटाफट, इसके कोऑर्डिनेट याद है क्या थे? माइनस एटी, इसके कोऑर्डिनेट याद है? 280 हमने लिखे नहीं, पॉइंट टू नोट हमने तीन ही लिखे थे, एक और लिखना चाहिए था। ये देखो जल्दी से एस के कोऑर्डिनेट देखो और इन दोनों के कोऑर्डिनेट देखो, समझ जाओगे। बताओ 2a प्लस ये अपना 3a होगा, दोनों का पॉइंट कौन है? देखो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 a 0 a 0, मतलब वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ xt एंड दिस, करेक्ट और नॉट? यस सर। कितना है वो डिस्टेंस, कितनी है वो? वैसे डिस्टेंस xt इज इक्वल टू sn अपन बोल रहे हैं, और कितनी है डिस्टेंस? ये डिग्री है, मुझे डिस्टेंस a + at² है। कम ऑन सर, वो तो फोकल डिस्टेंस होती है। फोकल डिस्टेंस, यस सर।
ये हो गया आपका यस सर ओके फर्स्ट डायग्राम बना दिया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया अभी सेकंड के लिए रुक जाओ हो गया आपका यस सर सेकंड के लिए स्टेटमेंट लिखो डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ राइट डाउन टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ पैराबोला Tangent at any point P of a parabola bisects the angle. कोई बच्चा रिपीट के लिए नहीं बोलेगा मैं अपने हिसाब से करूंगा Tangent at any point P of a parabola bisects the angle between the focal cord through P. Bisects the angle between the focal cord through P, focal cord through P, and the perpendicular from point P, and the perpendicular from point P to the director, and perpendicular from point P to director. I'll repeat again. Tangent at any point P of a parabola bisects the angle between the focal cord through P and the perpendicular from P to director. मतलब directrix बनाना चाहिए अब तो मुझे तो वो बनाते पहले ये बनाई लेट से मैंने डायरेक्ट तक बना दी चलो कौन से डिस्टेंस कौन सा एंगल की बात कर रहा है समझ में आ गया परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट तक दिए है तो कौन सा एंगल इक्वल है ये एंगल ईपीएस और ये एंगल इक्वल की बात कर रहा है क्या सबको क्लियर है यस यस सर यस देखो कॉर्ड थ्रू पी एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू डायरेक्ट तक इज बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट ये प्रूव करना है हमें कैसे करें एक झटके में हो जाता है देखो इधर ये परपेंडिकुलर तो एक्सिस से पैरेलल है ना यस सर तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा एग्री करो यस सर और अब ये हम सबको पता है क्या क्या गायब हो गया पैराबोला गायब हो गया हम सबको पता है कि एस सी इज इक्वल टू एस सी कम ऑन यस सर तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो अगर इसके अपोजिट ये थीटा है तो इसके अपोजिट ये क्या होगा थीटा थीटा ऐसे प्रूव हो गया एवरीवन यस यस हमें ये प्रूव करना था थीटा इक्वल टू थीटा प्रूव हो गया चलो कॉपी करो यहां तक डायग्राम कॉपी कर लो समझाना है तो वापस मैं लिख रहा हूं देख लो सिंस पीएम इज पैरेलल टू एक्सिस angle MPT is equal to theta equals to angle PTS angle PTS SP is equal to SP therefore angle PTS
is equal to angle CPS, this is equal to theta. यस हो गया पार्ट बी कॉपी सब का यस चलो पार्ट सी लिखो सर रेडी एवरीवन यस सर लिखो 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 सर हाँ टेंजेंट बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल शॉर्ट में लिख के समझ जाओगे टेंजेंट पार्ट बी में हमने प्रूव कर ही लिया टेंजेंट बाइसेक्ट The internal angle between the focal cord and the perpendicular from P to directrix while normal bisects the external angle. While normal bisects the external angle. हाँ बच्चों देखोगे इधर ओके टेंजेंट है तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्ट की रीति आएगी तो सबने एग्री कर लिया ना यस सर यस सर अब नॉर्मल बाइसेक्ट एक्सटर्नल कर रहा है अगर ये इंटरनल एंगल मान रहा हूँ मैं तो क्या ना इसे ये पूरा एक्सटर्नल एंगल हो गया एग्री करो यस सर वो दो लाइन होती है तो हम अगर ये इंटरनल बोल रहे हैं तो इसी को एक्सटर्नल बोलेंगे ना ऑब्वियसली यस सर हाँ है ना कार्टूनो यस सर इसको बाइसेक्ट कर रहा है नॉर्मल मतलब मुझे प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है कम ऑन एग्री करो यस सर तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री पे होते हैं आई होप ये तो सबको दिख ही रहा है तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्फा यस थीटा कम ऑन यस सर और ये पूरा एंगल सप्लीमेंट्री होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा कम ऑन देखो यस सर यस सर कैसे प्रूव हो गया एवरीवन हाँ भाई पूरा हो गया यस सर यस सर यहाँ तो कॉपी कर लो फिर लास्ट डी पार्ट लिखाऊंगा मैं
हो गया सबका कॉपी? यस सर। फाइनल स्टेटमेंट प्लीज राइट नाउ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पहले डायग्राम बना दो अपना, भी समझ जाओगे इसमें। सब रेडी? यस सर। सबको याद ही होगा ये एंगल और सॉरी कौन सा बता रहा था, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है एवरीवन? यस सर। अब मैं बोलूं अ रे ऑफ लाइट, जैसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स में अगर एक रे ऑफ लाइट मैंने पैराबोला पे छोड़ी पैरेलल टू द एक्सिस, यानी से पैरेलल टू द एक्सिस है? यस सर। यस सर। After reflecting from the parabolic mirror, कहाँ से पास होगी? S S। कहाँ से पास होगी? S S। क्यों? Angle of incidence is same as angle of reflection. You follow yes. everyone? Yes sir. Yes sir. Is that clear everyone? Yes sir. लिख लो। A ray of light. एक लल्लू पंजू क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए हमने बस प्रॉपर्टी करा दी। A ray of light. Parallel to the axis of the parabola. After reflecting from the parabolic mirror. After reflecting. अच्छा mirror में reflection के लिए कैसा होना चाहिए? अगर यूं reflect हो रही है तो ये वाला surface ऐसा होना चाहिए ना? Correct? Yes sir. अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो कैसा क्या होता फिजिक्स के फंडे? इमेज क्या होगा फिजिक्स पर? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द पैराबोलिक मिरर पासेस थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा आल्सो कैन आई से एवरीवन? यस सर। A ray of light sent along the focal cord after reflecting from the parabola becomes parallel to the axis. हो गया सबका? Has been copied? Then, yes sir. Yes sir. इसे इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं बाबू देख लो। मैं लोग बंदे क्वेश्चन ही होते हैं। नहीं बस हाइलाइट की तरह कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन कॉपी मत करो, तुम कॉपी घर पे कर लेना। Read the question along with me everyone. Read the question if I am that time just nahi kar raha. Circle drawn having its diameter equal to focal distance of a pointing point on this will touches a fixed line. Find its equation. Matlab kiski equation nikalni hai? Tangent at vertex. Tangent at the vertex. To bali shifted parabola hai, tangent at the vertex to nikal hi sakte ho na? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Everyone? Yes sir. Ho jayega na? हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन रुको देखो। अब इसका बताओ कैसे करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय लिखो मत अभी सुनो बस। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट दीज थ्री पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। मतलब कोई पैराबोला है शिफ्टेड है पहली बात तो ठीक है चलो होगा कहीं।
उसके तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पे टेंजेंट बना रहे हैं और फिर उसके एरिया की बात करना है। तो क्या टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने की जरूरत है कार्टून? नो सर। याद आ रहा है, याद आ गई प्रॉपर्टी कौन सी? यस। जैसे वो किसकी, कौन से एरिया की बात कर रहा है? ए वन, बी वन, सी वन या पी क्यू आर की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है वो? पी क्यू आर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट, किसकी बात कर रहा है बच्चों? वो A1, B1, C1 के लिए A1 तो पता नहीं है, निकालना पड़ेगा ना? हाँ सर। यस सर। तो तुम वो करो एरिया उससे कर सकते हैं ना? ओह, इट विल बी कितना, कौन बड़ा होता है, PQR का बड़ा होता है A1, B1, C1 का बड़ा होता है? PQR बड़ा होता है। हाँ, PQR divided by 2 हो जाएगा, यस सर? यस सर। यस सर। नहीं पड़ेगी। और PQR का एरिया तो तीन पॉइंट पता है तो एरिया तो निकल ही जाता है ना डिटरमिनेंट फॉर्म से, सेम रूल से? यस सर। तो सबको प्रॉपर्टी का यूसेज समझ में आया एवरीवन? यस सर। हां, इस तरीके से लल्लू पंजू क्वेश्चन होता है, गॉट इट? यस सर। अब कुछ कॉपी करना है तो कर लो या फिर बुकलेट निकाल लो जल्दी से। सर वो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस करो ना। कौन सा होमवर्क क्वेश्चन बच्चे? पिछले क्लास में दिया था। क्या था बोल? So tangents are drawn from points on y square equal to minus 8 x plus 4 to parabola y square equal to 4x. If locus of midpoint of chord of contact is a parabola, then find its lattice rectum. ये वाला पेज नेक्स्ट कर सकता हूँ मैं एवरीवन? यस सर। तुम्हारी इच्छा है नोट्स अच्छे बनाते हो तो बाद में कॉपी कर लेना, ओके? यस सर। हाँ तो भाई पैराबोला फिनिश हो गया या क्या कुछ और कहानी करेंगे अब? व्हाट डू यू थिंक? हाँ हो गया तो कॉनिक सेक्शन का कुछ, हाँ कुछ तो पढ़ाने वाले थे उसका, वो मैं तो पढ़ाऊंगा अब जैसे होमवर्क जैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिप से शुरुआत करने से पहले वो पढ़ाऊंगा। ओके क्लियर? ओके सर। यस नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाऊंगा। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला टू दिस पैराबोला, ओके। जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। डायग्राम बनाने की कोई खास जरूरत नहीं, डायग्राम तुम्हें समझना है तो समझ लो भाई। माइनस 4.0 पे पैराबोला है और स्टैंडर्ड पैराबोला ये है, इस पॉइंट से टेंजेंट बना रहा हूँ मैं। तो जैसे कि एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऐसे ही मैं और कोई पॉइंट लूंगा तो और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी, करेक्ट? यस सर। ये सब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किस पॉइंट से पास कर रही है उसका लोकस चाहिए, गॉट इट? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन सबके मिड पॉइंट का कॉन्टैक्ट। तो डायग्राम बना के कुछ नहीं उखाड़ लोगे तुम। इस पॉइंट से एक पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा एच कॉमा के, वो एच कॉमा के नहीं है नाला है, एच कॉमा के तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट है, जैसा ना -2.0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर नहीं, वाई कोऑर्डिनेट अगर टी रख दो तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर बाय -8 -4, एग्री करो? यस सर। अब इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इससे, करेक्ट? यस सर। ये तो सिंपल डायग्राम है, मेरा एक पॉइंट, इससे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, इन सब टेंजेंट्स का ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, एग्री करो? यस सर। उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, एग्री करिए यहाँ तक डायग्राम? यस सर। यस सर। तो मैं क्या कर दूंगा, ये कोड ए बी की इक्वेशन दो फॉर्म में लिखूंगा, कंपेयर करूंगा तमाम। यस सर। पहले तो ए बी की इक्वेशन हो गई टी इक्वल टू जीरो, एग्री करो? यस सर। और एक और ए बी की इक्वेशन इक्वल टू एक्स वन? यस सर। यस सर। कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू एम, तो टी इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट भी क्या होगा, वाई वाई वन इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन, टी इक्वल टू एक्स वन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एक्स वन, ओके। P क्या होता है, y into k minus 2 into x plus h is equal to k square minus 4x. Everyone okay ना? Yes sir. तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो फिर h और k का लोकस निकालना है मुझे, तो y का कोफिशिएंट ये रहा, इजी है, अच्छी तरह इससे मजा आएगा, t एलिमिनेट होने के चांस है, x का कोफिशिएंट 2
x का कोएफिशिएंट इधर भी तो 2 ही आएगा यस सर हां सर यस सर इतना लल्लू हो गया क्या फिर कुछ तो रहोगे गड़बड़ कर तो नहीं करी मैंने सर k² - 4h कैसे आया आपको x1 क्या होता है अच्छा ओके सर कंपेयरिंग में कुछ तो गलत हुआ नहीं ठीक है सही है ना 2x 2 by 2 आ गया यहाँ से t by j अब कांस्टेंट बहुत अलग है कांस्टेंट यहाँ पे ये है t square by minus 4 minus 8 अभी करो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यस सर माइनस बाय यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2x इधर आ जाएगा प्लस 2x इधर आएगा t square minus 2x ओके एवरीवन यस सर तो यहाँ से t इज इक्वल टू k आ गया एलिमिनेट करने के लिए बढ़िया और यहाँ से 1 यूज कर लूंगा मैं k स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय माइनस 8 t इसके माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार क्या किससे करूँ 4 से यस सर 4 k स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर माइनस 32 3k square is equal to 8x minus 32. That is 3y square is equal to 8 into x minus 4. That is parabola. Aa gaya dekho, everyone. Haan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kya pucha uska length of lattice rectum pucha gaya? 8 by 3. Yes, sir. 8 by 3. Clear? Yes. Yes, sir. तुम लोग देख रहे हो कि coordinate question that मतलब लगता है कि ऐसा tough होंगे but tough होते नहीं है जैसा ना मतलब ड्यूरेबल होते हैं एग्री करो इनफ प्रैक्टिस के साथ यस सर हां हां करे जा रहे मैंने अभी एक गलती कर दी बताओ किसको गलती दिखी हां हां कर कर वो सर 5k स्क्वायर होना चाहिए जब आपको 5kh करना का था दिख रहा है सबको यस सर यस सर चलो विद दिस पैराबोला इज डन नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे फिर लेक्चर चालू करेंगे पर अभी डाउट डिस्कस करेंगे बुकलेट निकाल सर बुकलेट निकाल लो जब मैं बोलूं तब डाउट लिखना भी रुक जाओ